हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पवित्र यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखु आज जॉब्स अपडेट आम देखने देखु 10th पास पर बहुत बड़ निजुक्ति सुजोग रही। तो फ्रेंड्स देखु टोटल पोस्ट जदि देखने देखु 6000 प्लस वैकेंसी रही। तो फ्रेंड्स बिग वैकेंसी रही। तो देखते आपणकर एज लिमिट जदि आप 18-30 मध्य आपंकर एज लिमिट रही तो आपको आवेदन करें। देखु क्वाफिकेसन 10th पास रोच। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ बिग वैकेंसी रोचे। तो फ्रेंड्स आपण मैंने निहाती भाव में यह आवेदन कर दिंतु। तो फ्रेंड्स इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स जानने आम ए वीडियो माध्यम रे। तो फ्रेंड्स वीडियोटी को जमा भी स्किप करेंगे ना, संपूर्ण रूपे देखिए। ता पूर्व फ्रेंड्स जदि आप चैनल रे प्रथम थर पर विजिट कर तो चैनल को एबे ही एबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे, जहाँ फल आपन को लेटेस्ट इनफॉरमेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स चलंतु वीडियोटी कंप्लीटली वाच करिबा। फ्रेंड्स देखु ये हूँ तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपण मैंने देखिपारे नोटा आसी एसएससी तरफ आपणकर नोटा आसी। देखु स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ आपणकर नोटा रही। तो फ्रेंड्स चलतु डिटेल्स इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने। तो फ्रेंड्स देखु सर्वप्रथमे आम नोटा देखने। तो देखु आपणकर नोटा रही मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हाबिलदार। तो देखु आपणकर बहुत बड़ रिक्वायरमेंट रोच। तो देखु आपणकर डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखु 22 मार्च 2022 टू 30 अप्रैल 2022 रही। सेपरी फ्रेंड्स देखु आप लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जब देखने तार देखु 30 अप्रैल 2022 रही। सेपरी देखु फ्रेंड्स लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट जब देखने तेल देखु 2 मे 2022 रही आपणकर लास्ट डेट। सेपरी फ्रेंड्स देखु लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चैलेंज जब देखने तेल देखु 30 मे 2022 रही आपणकर लास्ट डेट। सेपरी फ्रेंड्स देखु लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चालाण जहाँकि आपणकर बैंक माध्यम रे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक माध्यम रे आपण जदि चालाण करबा चाहूँगी तो लास्ट डेट देखु 4 मे 2022 रही आपणकर लास्ट डेट। सेपरी फ्रेंड्स देखु आम देखने देखु डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस जब आम देखने तेल देखु 5 मे 2022 टू 9 मे 2022 रही आपणकर लास्ट डेट। से फ्रेंड्स देखु आप शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जब आम देखने तेल देखु पेपर 1 आपणकर जुलाई में हम। से फ्रेंड्स देखु आपणकर डेट्स ऑफ पेपर 2 एग्जामिनेशन जब आम देखने तेल देखु टू बी नोटिफाइड लेटर। देखते आप पेपर 1 एग्जाम हो सारापर आपणकर सेकेंड पेपर पर आपणकर नोटिस माध्यम रे जनइबे आपणकर केबे एग्जाम डेट रहिबो। चलंतु फ्रेंड्स नेक्स्ट कौन सब रोचे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स आम देखने। तो फ्रेंड्स देखते आपणकर वैकेंसी जब आम देखने तेल देखु टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर अंडर। तो देखते आपणकर एमटीएस आपणकर कौन सी वैकेंसी मध्ये एटी मेंशन करा है नी। देखंतु विल बी इंटीमेटेड लेटर आपन को खूब शीघ्र लेटर माध्यम रे मेंशन करा हबो वैकेंसी केते रहबो एमटीएस रो। तो देखंतु फ्रेंड्स एमटीएस रो मैक्सिमम वैकेंसी 3000 प्लस वैकेंसी रहबो। तो देखंतु हाबिलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन पई 3603 टी वैकेंसी रही। एमटीएस पई खूब शीघ्र आपनकर 3000 प्लस वैकेंसी रहबो, याकु ऐड है कि आपनकर 6000 प्लस वैकेंसी रहुची। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड्स स्क्रॉल डाउन कर देखने। तो देखंतु आपन को जस्ट स्क्रॉल डाउन कर दियंतु। तो देखंतु आपन को नेक्स्ट आम देखने एज लिमिट। देखंतु आपन को मिनिमम एज लिमिट देखंतु 18-25 मध्य आपन को एज लिमिट थिबा आवश्यक, जहाँ कि देखंतु एमटीएस पई एंड हाबिलदार पई। सेपरी फ्रेंड्स देखंतु आपन को 18-27 वर्ष मध्य आपन को एज लिमिट रही आवश्यक, जमीती कि देखंतु आपन को सीबीआईसी पई। तो देखंतु आपन को देखिपारे 1 जनवरी 2022 पूर्व आपणकर मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स होता आवश्यक, देन आपण यहाँ आवेदन करें। चलतु नेक्स्ट कौन सब रही डिटेल्स देखने। तो फ्रेंड्स देखते आपण कैटेगरी वाइज मध्य आपणकर एज रिलैक्सेशन रही आपण डिटेल्स पीडीएफ को गो थ्रू कर दिंतु। चलतु नेक्स्ट कौन सब रही डिटेल्स देखने। तो फ्रेंड्स टी स्क्रॉल डाउन कर दिंतु। तापर आपण मैंने देखिपारे टी स्क्रॉल डाउन करदे। तापर देखंतु फ्रेंड्स ये दिया है आपण एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आम देखने तेल देखु मस्ट हाव पास मेट्रिकुलेसन। जदि आप मिनिमम
टेन्थ पास करिसंती तो आपण एहाकु आवेदन करि परबे। जदि आपण प्लस टू प्लस थ्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट करिसंती ताहेले मध्य आपण एहाकु आवेदन करि परबे। मिनिमम क्वालिफिकेशन टेन्थ पास रहुछि, आपण मन निहाति भाबरे एहाकु आवेदन करि दियंतु, जमा भी हाथ छड़ा करि दियंतु नाही, जेहेतु एटा मिनिमम क्वालिफिकेशन टेन्थ पास रहुछि। चलंतु फ्रेंड्स नेक्स्ट कौन सब रहुछि डिटेल्स देखनेबा। तो फ्रेंड्स देखंतु आपण माने देखिबाथिबे एठी रहुछि हाउ टू अप्लाई। आपण माने केवल एहाकु ऑनलाइन मोड रे आवेदन करि परबे। देखिबाथिबे आपण एठी ऑफिशियल वेबसाइट रहुछि, तो देखिबाथिबे आपण ssc.nic.in एही वेबसाइट रे आपण विजिट करि आपण एहाकु आवेदन करि परबे। वीडियो रो डिस्क्रिप्शन तळे मध्य ऑफिशियल वेबसाइट रो लिंक रहिछि, सेटारे विजिट करि कि मध्य आपण डायरेक्ट आवेदन करि परबे। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट रे निहत भाबरे विजिट कर दियंतु, वीडियो रो डिस्क्रिप्शन तळे लिंक रहिछि। सेपर फ्रेंड देखंतु आपनकर एप्लीकेशन फीस जदि आमे देखिनेबे ताले 100 टका एप्लीकेशन फीस रहुछि। जदि आपण एससी एसटी एंड पर्सन विथ डिजेबिलिटी एंड एक्स सर्विस मैन रे बिलंग करुछंती तो आपनकु कोनोसी एप्लीकेशन फीस देबाकु पडिबो नाही, आपण माने संपूर्ण रूपे मागणारे आवेदन करि परिबे। तो फ्रेंड चलंतु ए कैटेगरी को छाड़ी अदर्स कैटेगरी माने आपनकर 100 टका एप्लीकेशन फीस रहिछि, जमीती कि आपण ऑनलाइन माध्यम रे आकु पेमेंट करि परिबे। भीम यूपीआई नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीसा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो रुपे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड माध्यम रे आपण 100 टका एप्लीकेशन फीस पेमेंट करि परिबे। तो फ्रेंड चलंतु नेक्स्ट कोन सब रहुछि डिटेल्स देखनिबा। जस्ट फ्रेंड स्क्रॉल डाउन कर दियंतु, तो देखंतु आपनकर एठी रहुछि देखि पारथिबे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। जदि आमे देखिनेबा ताहेले देखंतु आमर ओडिशा पई कोन रहुछि, तो देखंतु आपनकर केउ डिस्ट्रिक्ट आपनकर एग्जाम सेंटर रहुछि। देखंतु ईस्टर्न रीजन पई देखंतु आपनकर ओडिशा पई देखंतु एठी रहुछि आपनकर बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल राउरकेला संबलपुर एही सब डिस्ट्रिक्ट आपनकर एग्जामिनेशन सेंटर रहुछि जहां एसएससी पई। तो देखंतु आपनकर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पई एही सब डिस्ट्रिक्ट आपनकर एग्जामिनेशन सेंटर रहुछि। तो फ्रेंड्स आपण नियत भाबरे आवेदन कर दियंतु, बिग वैकेंसी रहिछि 6000 प्लस वैकेंसी रहिछि एसएससी तरफ। तो फ्रेंड्स चलंतु नेक्स्ट कोन सब रहिछि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स जानिनेबा। तो फ्रेंड्स जस्ट आपण स्क्रॉल डाउन कर दियंतु। तो फ्रेंड्स आपण माने देखिबथुबे एटी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जदि आमे देखिनेबा ताले देखंतु आपणकर फास्ट आपणकर पेपर 1 पई आपणकर देखंतु कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हबो। तो देखंतु फास्ट आपणकर जनरल इंग्लिश रहबो सब्जेक्ट, साथ ता सहित जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहुछि, ता सहित न्यूमेरिकल एटीट्यूड, ता सहित जनरल अवेयरनेस। तो देखंतु आपणकर 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन रहुछि। तो आपणकर एहा थिला आपणकर पेपर 1। चलंतु फ्रेंड्स नेक्स्ट पेपर 2 पई कोन सब सिलेबस रहुछि डिटेल जानिबा। तो देखंतु आपणकर पेपर 2 पई सब्जेक्ट रहबो शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपणकर 50 मार्क रो एसे एंड लेटर राइटिंग पई कहिबो, तो आपण टाइम ड्यूरेशन रहबो 45। एथिला आपणकर पेपर 2 पई। तापर देखंतु आपणको देखिबा तुबे दिगे स्क्रॉल डाउन कर देखिनेबा। तो देखंतु पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई हला पर आपणको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देबाक पडिबो। तो देखंतु आपणको वॉकिंग रहबो 15 मिनट रे मेल पई 1600 मीटर रहबो, 20 मिनट रहबो मेल पई 1 किलोमीटर। सेपर देखंतु साइक्लिंग जदि आमे देखिनेबा ताले देखंतु मेल पई रहबो 30 मिनट रे 8 किलोमीटर। सेपर देखंतु फीमेल पई 25 मिनट रे 3 किलोमीटर रहबो साइक्लिंग। एथिला आपणकर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। चलंतु नेक्स्ट कोन सब रहिछि डिटेल जानिलेबा। तो फ्रेंड्स देखंतु आपणकर नेक्स्ट रहिछि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जदि आमे देखिनेबा ताले देखंतु मेल पई हाइट देखंतु 157.5, चेस्ट देखंतु अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन रहिछि 5 सेंटीमीटर। सेपरि फ्रेंड्स देखंतु फीमेल पई जदि आमे देखिनेबा ताले देखंतु हाइट 152 सेंटीमीटर रहिछि, वेट जदि आमे देखिनेबा ताले देखंतु 48 किलोग्राम्स रहिछि, तार रिलैक्सेशन 2 किलोग्राम रहिबो वेट जहा कि फीमेल मानक पई। तो फ्रेंड्स देखंतु आपनकर ए सब डिटेल्स रहुछि। तो देखंतु आपनकर फाइनली देखंतु आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहुछि। देखंतु जदि आपन पेपर 1 क्वालिफाई कले आपनकु पेपर 2 एग्जाम देबाकु पडिबो,
तापरे फिजिकल फिटनेस सब देखा पड़ो फिजिकल प्रोफेसीएसी टेस्ट देन आपन को फाइनाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोची ये आपणकर सिलेक्शन मेथड। तो फ्रेंड्स देखो आपणकर चारिटा प्रोसेस रे आपन को सिलेक्शन प्रोसेस रोची। तो फ्रेंड्स आपन निहती भाव में यहाँ हाथ छड़ा नक आपन आवेदन कर दिंतु। भिडियोर डिस्क्रिप्शन तले ऑफिशियल वेबसाइट रो लिंक रोची किसी भी जब आपंकर डाउट कि क्वेश्चन रही थाए निहती भाव में कमेंट सेक्शन में मेनसन करेंगे आम आपंकर प्रॉब्लम को निहती भाव में हेल्पफुल करने चेस्टा करूँ। आई होप आपण मैंने डिटेल्स इनफर्मेशन पाई थैंक यू।